क्या कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत एक मर्डर था? क्या मरने से पहले उनके साथ मारपीट हुई थी? 4 साल बाद साउथ डिस्ट्रिक्ट के DCP रहे भोला शंकर जायसवाल की रिपोर्ट में कुछ इसी तरह के चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। DCP ने एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सुनंदा के शरीर पर दांत से काटे जाने के निशान, हाथापाई, शरीर पर खरोचों के निशान और इंजेक्शन के घाव पाए गए थे। सुनंदा की मौत एल-प्रोजोलाम जहर देने की वजह से हुई। इस रिपोर्ट में शरीर पर मिले जख्मों को सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। सुनंदा के शरीर पर इंजेक्शन लगाने और दांत से काटने के निशान भी मिले। कुछ घाव ऐसे मिले जो उनकी मौत से पहले 12 घंटे से लेकर 4 दिन के दौरान दिए गए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर सुनंदा पुष्कर केस उलझ गया है। 4 साल बाद भी इस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।